केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार की शाम को उनके निधन के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। चिराग ने अपने बचपन का एक फोटो ट्वीट किया जिसमें वे पासवान के गोद में बैठे हैं और लिखा है, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। 74 वर्षीय रामविलास पासवान पिछले कुछ हफ्तों से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के साकेत स्थित अस्पताल में भर्ती थे। उनके पास केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय था। रामविलास पासवान पिछले 5 दशक से भी ज़्यादा वक्त से राजनीतिक में सक्रिय थे और देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में उनकी पहचान होती थी।